नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज बीजेपी का दामन थाम लिया। मिथुन के बीजेपी में शामिल होने के लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल बंगाल के चुनावी युद्ध में बड़े धमाके की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी की कोलकाता में पहली रैली है और ममता बनर्जी की घेराबंदी का पूरा प्लान है। अटकलों का बाजार तो काफी पहले से गर्म था। मिथुन चक्रवर्ती की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के मायने भी लगातार तलाशे जा रहे थे। बीजेपी के नेता लगातार संदेश दे रहे थे कि कोशिश तो जारी है। मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में शामिल कराने के अभियान के सूत्रधार रहे कैलाश विजयवर्गीय लगातार एक्शन में थे। बीती रात कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे मुलाकात की थी। विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि देर रात कोलकाता के बेलगाचिया में सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता मिथुन दा के साथ लंबी चर्चा हुई। उनकी राष्ट्रभक्ति और गरीबों के प्रति प्रेम की कहानियां सुनकर मन गदगद हो गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हिंदी और बांग्ला फिल्मों के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। बीजेपी में शामिल होते ही मिथुन ने कहा कि मैं कोबरा हूं, कोई हक छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं जब 18 साल का था तब से ही गरीबों की मदद करना चाहता था। आज ये सपना पूरा होने जैसा लग रहा है। अगर किसी का हक कोई छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। मिथुन ने कहा, मैं एक नंबर का कोबरा हूँ, डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। मुझे बंगाली होने पर गर्व है, मैं पूरा कोबरा हूँ। मिथुन के लिए सियासत से रिश्ता कोई नया नहीं है। ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी कोटे से 2014 में राज्यसभा भेजा, लेकिन मिथुन जल्द ही सियासत की सीमाओं से बाहर निकल गए। मगर अब एक बार फिर से वो सियासत में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में शामिल कराकर बीजेपी को ममता बनर्जी पर एक बड़ा हमला करने का मौका भी मिल गया। ममता लगातार बीजेपी को बाहरी बता रही हैं। मिथुन के रूप में बीजेपी को एक बड़ा स्थानीय चेहरा भी मिल गया, जिसकी बीजेपी काफी समय से तलाश कर रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।